स्मार्ट हाउसवाइफ बनने के लिए वीडियो एक बार जरूर देखें। नमी वाले मौसम में रवा या सूजी जल्दी ख़राब हो जाता है। उसके लिए सूजी को एक कढ़ाई में धीमी आंच पर 2-3 मिनट के लिए भून लें और फिर सूजी को डब्बे में भर के रख दीजिए। इससे सूजी जल्दी ख़राब नहीं होगा। रायता बनाते समय कुछ लोग दही में सारी सामग्रियों के साथ नमक भी डालकर मिला देते हैं। ऐसा करने से रायता कुछ ही देर में खट्टा हो जाता है, इसलिए ऐसा करने से बचें। पहले सारी सामग्रियों को दही में मिलाकर रख दें और फिर परोसते समय ही रायते में नमक डालें। आलू का पराठा तो बच्चे और बड़े हर किसी को खाना पसंद है, लेकिन यदि आलू के पराठे और भी टेस्टी बनाना चाहते हो ना, तो आलू के मिक्सर में थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डाल दें। इससे पराठे और भी ज़्यादा लजीज बनेगा। बचे हुए बासी पुरानी ब्रेड को फेंकने की बजाय इसे पीसकर एयर टाइट डिब्बे में भरकर रख लें। बाद में इसका इस्तेमाल कबाब या कटलेट बनाते समय करें तो टूटेंगी भी नहीं वो, और स्वादिष्ट और कुरकुरे भी बनेंगे। सब्जी की ग्रेवी गाढ़ी बनाने के लिए प्याज भूनते वक्त उसमें 1 चम्मच बेसन डालकर भूनें। इससे सब्जी का ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी और टेस्टी भी बनेगी। तो आज के टिप्स इतने ही हैं। और भी स्मार्ट स्मार्ट किचन टिप्स देखने हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वेट करो मेरा नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।